आप तो इनके 5 साल पुराने निकाले, इन्होंने 5 साल पहले भी यही कहा था, और फिर अब तो अपने पोस्टर लगा दिए थे बठिंडे से, जब मेरी हार पक्की तो फिर ये भागे क्यों यहाँ से, ये तो इसी का जवाब दे दे। तो राजा साहब की अगुवाई में तो उनकी पार्टी तो अब बीजेपी बन गई है, तो ये मुझे क्या कह रहे हैं अपनी सीट की चिंता करें। सीटों पर जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, पंजाब की पार्टी को या अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर आने के बाद फर्क पड़ेगा चुनाव? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा, लोगों को पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार की मूर्ति आज सामने आके जब वोट मांगेगी तो लोगों को पता होगा कि ये सारी भ्रष्ट कांग्रेस और भ्रष्ट झाड़ू जब इकट्ठी हो गई है, तो इन दोनों को निकाल के मैं लोगों को कहती हूँ अपनी खेतरी पार्टी को आप मजबूत करिए, क्योंकि आपकी खेतरी पार्टी ही आपके रक्षा कर सकती है, आपके उम्मीदों में आपकी जरूरतों के बारे में जितनी खेतरी पार्टी जानती है, दूसरी पार्टी सेंट्रल पार्टी तो सेंट्रल एजेंडा चलाती है, इनको एक एक क्षेत्र के बारे में नहीं पता। जैसे दिल्ली बैठे पावे राहुल गांधी होए, मोदी होए, केजरीवाल होए, उसका संगत मंडी का सुअर का क्या हाल है उसको पता है, लेकिन पंजाबियों से पूछो, हमारे लोगों से पूछो, एक एक चीज फिंगर टिप्स में हमको पता है कि पंजाब के किस कोने में किस चीज की जरूरत। देखो, जो मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में नशे करके आता था, आज क्या खाता है क्या पीता सारा पंजाब जानता है, इसीलिए तो नशे शिखरों तक पहुंचे हुए हैं, और इतने भी उनको अकल नहीं है कि जूठा पानी मुंह में डाल के फिर वो गुरु साहब की दी हुई दस्तार के ऊपर अपना जूठा पानी उधर भी डाले, ये तो इस मुख्यमंत्री की अकल है, तभी तो पंजाब का ये हाल हुआ। बड़ा